हेलो गाइज वेलकम बैक टू गैरेज ऑफिशियल मेरे सामने है टाटा स्टार ईवी ई इसमें दो गाड़ियां हैं एक प्योरली इलेक्ट्रिक गाड़ी है और एक है फ्यूल ईवी जो आपको हाइब्रिड गाड़ी देखने को मिलने वाली है तो ये दोनों वेरिएंट्स आपको ऑटो एक्सपो पे दिखाए गए हैं सबसे पहले इस गाड़ी को हम चेकआउट करते हैं अंदर से कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं जो कुछ भी डिफरेंसेस होंगे वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पर मैं एक आदमी से पूछ रहा था जो टाटा की तरफ से खड़ा था तो उनसे जो कुछ भी डिफरेंसेस इन दोनों गाड़ियों के बीच में वो मैंने जान लिया है अब आपको मैं इसका एक्सटीरियर के बारे में बताता हूँ इसके फीचर्स के बारे में बताता बताता हूँ ओवरऑल क्या फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे एंड टाटा स्टार बस बहुत पॉपुलर हो चुकी है अब इसमें आप देखोगे यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे राउंड शेप में एंड इसे 2020 के भी ऑटो एक्सपो पे आई गैस दिखाया गया था आई आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट ये जो है प्योरली इलेक्ट्रिक गाड़ी है एंड स्टारबस बस ई वी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एंड अगर आप देखोगे इस पर आपको बड़े से वाइपर्स देखने को मिलते हैं वो भी ड्यूएल वाइपर्स है तो जो को पैसेंजर भी बैठेगा उसको भी क्लियर विजन मिल जाएगा इन रेनी सीजन या फिर डस्ट वगैरह ज़्यादा लग जाती है तो वो समय पर ये दोनों वाइपर्स काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं मिरर्स देख लीजिए कितने अच्छे दिख रहे हैं एंड इसका पोल्यूशन इस तरीके से किया गया है जिससे ड्राइवर को अच्छी विजिबिलिटी मिल सके अभी अंदर जाते हैं चेक करते हैं अंदर से कैसा डिज़ाइन इसमें देखने को मिलने वाला है क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं एक पैसेंजर बस है जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज की जाती है एंड इलेक्ट्रिक का जमाना आ चुका है आपको देखने को मिल जाएंगे काफी ज्यादा बड़ा स्टेरिंग व्हील दिया गया है यहाँ पर आपको सब स्विचेस देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रिक गाड़ी होने की वजह से ड्राइविंग मोड्स आपको देखने को मिलेंगे एंड रिवर्स मोड आपको देखने को मिल जाएगा एंड इसमें कोई भी क्लच वगैरह वैसा सिस्टम होता ही नहीं है इलेक्ट्रिक में गाड़ी बैटरी पे चलती है पकड़ने के लिए गाड़ी में चढ़ने के लिए ड्राइवर के लिए वहां पर एक जगह दी गई है एंड अंदर पे आपको हॉर्न यहां पर देखने को मिल जाएगा सीट्स देख सकते हो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स ये देखने को मिल जा रहे हैं एंड यहां पर बहुत सारे स्विचेस हैं तो जो लोग बस चलाते हैं उनको पता है कि कौन सी चीज़ किस लिए काम आती है अब लोग आ रहे हैं ट्राई कर रहे हैं बैठ के देख रहे हैं कि कैसा फील हो रहा है मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है फ्रॉम द इन जो लाइटिंग दी गई है जिस तरीके से इसमें सीट्स लगाए गए हैं फ्रंट फेसिंग सीट्स आप को देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको फायर एस्टिंगर भी देखने को मिल जाएगा एंड ये जैसे देख सकते हो कितनी स्पेशियस है इजीली लोग बैठ सकते हैं सीट्स में कोई हेडरेस्ट नहीं दिया गया है बट uh, काफ़ी अच्छी स्पेस देखने को मिल जाएगी दो पैसेंजर के बीच में डिसेंट इन स्पेस है बड़े से विंडोज़ देखने को मिल जाएगा काफ़ी एयरी एंड रूमी आपको महसूस होने वाला है यहाँ पर यहाँ पर आपके लिए हेल्प का बटन देखने को मिल जाएगा एंड अगर आप देखोगे इसे फ्रॉम दिस एंड यहाँ पर आगे लगभग आठ सीट्स दिए गए हैं बीच में चार सीट्स देखने को मिल जाएंगे एंड पीछे आपको कम से कम पंद्रह सीट्स देखने को मिलने वाले हैं तो लगभग इसमें अः 25 से 30 लोग बैठ सकते हैं और खड़े भी जाके 50 लोग आराम से इस गाड़ी में जा सकते हैं ऐसा मुझे फील हो रहा है एंड आप देख सकते हो पीछे की जो सीट्स है वो ब्लू कलर में दिए गए हैं पीछे लगभग छः लोग साथ में बैठ सकते हैं एंड यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिल जाता है मुझे इसमें ऐसा लग रहा है मेट्रो वाली फीलिंग आ रही है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी लग रही है ये रहा मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ शिफ्ट करके बट मुझे मैं अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ ऑटो एक्स खत्म हो गया है बट हमारा कौन कंटेंट नहीं खत्म हुआ है स्पेस देख लीजिए बस का वॉक पहली बार चैनल पे कर रहा हूँ जिस वजह से बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आपके लिए इस तरीके की कंटेंट हमेशा लेकर आने की कोशिश करता रहूंगा बस का रिव्यू मैं हमेशा से करना चाहता था और आज मैंने बस का भी रिव्यू कर रहा हूँ एंड रिव्यू नहीं कहेंगे वॉक रोन वीडियो कहेंगे जहां पर फीचर्स आपको बताऊंगा एंड uh, कुछ इस तरीके से ओवरऑल आपको इंटीरियर uh, देखने को मिलता है एक्सटीरियर में देख लो व्हील्स uh, किस तरीके से दिए गए हैं इस पर अलाउ व्हील का डिज़ाइन आपको देखने को नहीं

पीछे से कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है ये गाड़ी भी एग्जैक्टली exactly सिमिलर होने वाली है एक बार आपको अंदर से दिखा देता हूँ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी लि, लिखा गया है यहाँ पर एंड पीछे आपको कैमरास भी देखने को मिल जाएंगे एंड चलिए अभी आगे बढ़ते हैं एंड आपको ये गाड़ी एक बार चेक करवा देता हूँ तो जैसे ही हम इस गाड़ी के अंदर जाएंगे तो आपको मैं बता सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा डिफ्रेंसेस नहीं है आ, वो प्योरली इलेक्ट्रिक गाड़ी है एंड ये आपको हाइब्रिड गाड़ी देखने को मिलने वाली है आ, इसके अंदर एक बार जाके चेकआउट करते हैं क्विकली एंड आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को आ, आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जैसे शूट करने में परेशानी नहीं हो रही है बट उतनी एम टी नहीं मिल रहा है लोग आ रहे जा रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल जाएगा और सिक्स इंचेस के आसपास का है यहाँ पर एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं फोटोज खींच रहे हैं इसका सिटिंग लेआउट थोड़ा डिफरेंट तरीके का है एज कंपेयर टू तो जो ई वाला था जैसे कि आप देख इसे महसूस कर सकते हो बट पीपल आर वेरी हैप्पी टू गेट इन दिस बस क्योंकि हमें ऑटो एक्सपो पर ही ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है एंड अभी दो साल बाद वापस आने वाला है अभी अभी तो कोविड के बाद तीन साल हो गए तब जाके ऑटो एक्सपो आया है एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड कमिंग फ्रॉम वेरियस सिटीज टू एक्सपीरियंस दिस बसेस कार्स एंड स्कूटर्स एवरीथिंग थिंग विच इज शो डियर तो ये दो गाड़ियाँ हैं टाटा एक्सपो में दिखा ऑटो एक्सपो में दिखाई गई है सॉरी गाइज एक है टाटा स्टार बस ईवी एंड दूसरी है फ्यूल सेल पे चलने वाली गाड़ी आपको कैसी लगी ये गाड़ी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तब तक के लिए मिलूंगा एक और नया वीडियो के साथ बहुत ही जल्द टेक केयर ड्राइव सेफ